नमस्कार दोस्तों, सुमन कौशिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम लौकी से एक बहुत ही हेल्दी डिश बनाएंगे। यदि आपको लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से लौकी को यूज़ कीजिए। अब सबसे पहले हम लौकी को छील के कद्दूकस कर लेंगे। ये लौकी कद्दूकस हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसको उबालते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप भी लौकी को एक नई तरीके से बना सकें, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच सके। अब इसको उबाल लेते हैं। ये लौकी उबल चुकी है, अब इसको ठंडा कर देते हैं। लौकी ठंडी होगी तब तक बाकी इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें चाहिए दही, करी पत्ता, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जीरा। अब हम एक बर्तन में डालेंगे दही, और इसको मथेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, नमक और मिर्ची, और इसको फिर से एक बार मथ लेंगे। आपको जितना चाहिए इसमें पानी डाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई लौकी, ये ठंडी हो चुकी है। इसको मिला देंगे एक बार। अब एक चम्मच में लेंगे थोड़ा सा घी, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे जीरा। आँच से इसको हटा लेंगे वरना ही जलने लग जाएगा। और अब डालेंगे करी पत्ता। अब हम इसको रायते में डाल देंगे और ढक देंगे। इसका धुआं बाहर नहीं निकालेंगे, इससे अच्छी खुशबू आएगी। ये अपनी लौकी की हेल्दी सी डिश बनके तैयार है। ये है लौकी का रायता। अब हम इसको सर्व करेंगे। आपको हमारी ये हेल्दी डिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब आभार। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये सर्व हो चुका है रायता अपना। अब इसको थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर देंगे। लीजिए, खाने के लिए तैयार है। थैंक यू, बाय बाय।